हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको तवा तंदूरी रोटी बताने वाली हूँ, जिसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे गुनगुना पानी लेना होगा और साथ में ही हम यहाँ पे डालेंगे एक चम्मच चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चीनी जो है हमारी मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ईस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ईस्ट जो है हमारा अच्छे से मिल चुका है और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब हम एक बर्तन में 1 किलो के लगभग मैदा लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे 100 ग्राम दही, जो कि दही खट्टा होना चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा यहाँ पे तेल, तेल हमें रिफाइंड ही लेना है। और अब हम यहाँ पे लेंगे 1/2 चम्मच नमक और साथ में ही हम यहाँ पे लेंगे कस्तूरी नागौरी मेथी, जिसे हम हाथों से क्रश करके इसे डालेंगे। मैदे को अब हम एक साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसमें हमारा जो दही है, हमारा जो मोइन है और जो हमने नमक डाला है, कस्तूरी मेथी डाली है, वो मिल जाए। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा ईस्ट का बना हुआ घोल, जो कि इसे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। घोल हमने डाल दिया है और मैदे को हम अच्छे से गूंथ लेंगे और एक सॉफ्ट डो इसका तैयार कर लेंगे। जरूरत के अनुसार हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आटा हमारा जो है एकदम से लग के रेडी है और इसे तेल लगा के आटे को चिकना कर लेंगे। मैदा हमारा चिकना हो चुका है, अब हम इसे दूसरे बर्तन में डालेंगे और ऊपर से तेल लगा के 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। मैदा हमें सॉफ्ट ही लगाना है। मैदे ने हमारे रेस्ट कर लिया है। मैदे को अब हम दूसरे बर्तन में लेंगे और इसे हाथ की सहायता से अच्छे से मस लेंगे, जिससे कि हमारा मैदा है चिकना हो जाए। अब हमारा तवा तंदूरी रोटी बनाने के लिए मैदा जो है एकदम परफेक्ट है और अब हम इसके नॉर्मल लोया बनाएंगे और इसे प्लोथन लगा के चकले पे बेलेंगे। तवा तंदूरी रोटी को हम गोल आकार देंगे और ध्यान रहे कि तंदूरी रोटी हमारी जो है कि मोटी ना रहे, पतली ही रहे, क्योंकि ये मैदा है बाद में फूल जाता है। रोटी जो है हमारी गोल हो चुकी है, अब हम इसमें एक साइड पे पानी लगा देंगे और हल्के हाथों से इसे उठाएंगे। तवा हमें लोहा का लेना है। तवा हमारा गर्म हो चुका है और जिस तरफ हमने पानी लगाया है उसी तरफ से हम हमारी रोटी जो है तवे पे डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रोटी पे जो है हमारे बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब रोटी जो हमारी पक चुकी है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से भी हम तवे को उल्टा करेंगे और इस तरह से हम उल्टा सुल्टा करके इसे रोटी को पकाएंगे, साइड से कोने पकाएंगे, जिससे कि हमारी रोटी जो है कच्ची ना रहे, रोटी अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स रोटी जो है हमारी अच्छे से पक चुकी है, तो देखिए मैं आपको पलट के भी दिखाऊंगी। एकदम ढाबा स्टाइल हमारी तंदूरी रोटी जो है बनके तैयार हुई है। तवा तंदूरी रोटी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि घर में हमारे तंदूर नहीं रहता है तो हमें तवे पे ही हमारी तंदूरी रोटी बनानी होती है। तो फ्रेंड्स हमारी तवा तंदूरी रोटी एकदम से बनके रेडी है। अब हम इस पे घी या बटर लगा के शाही पनीर के साथ इसका मजा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने तंदूरी रोटी तो सीख ली है, तो उसके लिए आपको शाही पनीर भी सीखनी ही होगी। तो शाही पनीर के लिए आपको मेरी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो फ्रेंड्स, बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूले, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो पर भी जल्दी से क्लिक कीजिए।